निरंकारी राजा जी ने स्वैच्छिक सेवा का किया उद्घाटन। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी ने रविवार को 76वां वार्षिक निरंकारी संत समागम संत निरंकारी आध्यात्मिक परिसर समालखा गनौर जीटी में समागम स्थल पर स्वैच्छिक सेवा का उद्घाटन किया। समस्त सेवादारों ने जानकारी देते हुए बताया कि अलग अलग देशों से पहुंचेंगे सेवादार, 1 लाख वॉलंटियर रहेंगे मौजूद। उन्होंने बताया कि 28 से 30 अक्टूबर 2023 तक आयोजित समागम में भारत और देशों से संत निरंकारी मिशन के लाखों भक्तों के भाग लेने की उम्मीद है। पुलिस प्रशासन का मिलता है पूरा सहयोग। सोनीपत से अर्थप्रकाश के लिए आदेश त्यागी की रिपोर्ट। देखिए उनके भगत दे रही हैं जानकारी। वार्षिक निरंकारी संत समागम की शारीरिक सेवाओं का शुभारंभ सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज निरंकारी राजपिता रमेश जी के कर कमलों द्वारा हुआ है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और सभी ने आने वाले समागम की सफलता के प्रति कामना की। 28, 29 और 30 अक्टूबर को आने वाले दिनों में 3 दिन का ये निरंकारी संत समागम यहाँ सम्पन्न होगा, जिसमें 3 दिन सत्संग के कार्यक्रम होंगे, सेवा दल की रैली होगी, कवि सम्मेलन होगा और 3 दिन समापन जो है सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के प्रवचनों के साथ होगा। कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने की उम्मीद है, कौन कौन सी कंट्री से? लगभग 8 से 10 लाख श्रद्धालु पूरे भारत और विश्व भर से यहाँ पर आ रहे हैं, देश के तो सभी कोनों से आ रहे हैं और लगभग 50 दूर देशों से भी श्रद्धालुओं के आने की इच्छा। सुरक्षा को लेकर हमारे अपने सेवा दल के लगभग 1 लाख वॉलंटियर्स इस सारे परिसर में अपनी सेवाएं अर्पित करेंगे और यहाँ पर एक कोने कोने पर हर एक कोने पर जो है CCTV कवरेज है और उनको मॉनिटर करने के लिए भी पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग हमें हमेशा मिलता है और इस बार भी मिल रहा है। पुलिस प्रशासन जो है अपनी मुस्तैदी से काम कर रहा है। ठीक। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।